मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में अमृत रूपी जल में स्नान करने को उमड़ा जल सैलाब, शास्त्रों के अनुसार दान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन सबसे शुभ होता है। इस बार मौनी अमावस्या 24 जनवरी को पड़ी है। इसी दिन शनि भी अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। कई जगह इस अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। स्नान दान के लिए ये दिन बेहद ही खास माना गया है। जानिए मौनी अमावस्या से जुड़ी खास बातें। 24 जनवरी को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है। 24 जनवरी के बाद साल 2022 में शनि अपनी राशि बदलेंगे। जानिए राशि के मकर में गोचर करने का सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है प्रभाव। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात तिल का लड्डू, तिल का तेल, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय का दान करना सबसे ज्यादा पुण्य का काम माना गया है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन मुनियों की तरह आचरण करना चाहिए। कई लोग मौन अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण कर ध्यान करते रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुत्ते, गाय, कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। इस दिन शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो वाद विवाद से दूर रहें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखना, गंगा स्नान करना और दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ककोल काय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए अर्ध आदि देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने का महत्व होता है। कहा जाता है कि इस अमावस्या पर गंगा का जल अमृत के समान बन जाता है। लेकिन आप चाहे तो घर पर भी पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मछली या मदिरा का पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2020 को देर रात 2:18 से लेकर अगले दिन यानी 25 जनवरी 2000 को देर रात 3:12 तक रहेगा। 24 जनवरी को रात के आखिरी पहर से लेकर आप सूर्य होने से पहले स्नान कर सकते हैं। मौन से शुरू हुई सुबह आएगी अमावस की काली रात। शनि भी आज बदल रहे हैं अपनी चाल। मौनी अमावस्या के दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। इस खास दिन पर नदी स्नान करने की परंपरा है। शनि दोष के निवारण के लिए भी मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। मौन से शुरू हुई सुबह मौनी अमावस्या पर स्नान दान का क्या महत्व है जानिए। मौनी अमावस्या शास्त्रों के अनुसार दान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन सबसे शुभ होता है। इस बार मौनी अमावस्या 24 जनवरी को पड़ी है। इसी दिन शनि भी अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। कई जगह इस अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है। स्नान दान के लिए दिन बेहद ही खास माना जाता है। अमावस्या से जुड़ी खास बातें। 24 जनवरी को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है। 24 जनवरी के बाद
साल 2022 में शनि अपनी राशि बदलेंगे। जानिए शनि के मकर राशि में गोचर करने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात तिल के लड्डू, तिल का तेल, दर्पण इत्यादि भी दान देने से जीवन में सफलता आती है। मौनी अमावस्या के दिन शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त अमावस्या का प्रारंभ 24 जनवरी को तय है। Ram 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 Ram
Yeah.